हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, एक सैमसंग का लैपटॉप है जिसमें पावर ऑन होते हैं बट डिस्प्ले नहीं था। मैंने इसको पहले बोलते इसका एक वीडियो बनाने के पहले मैं ठीक कर लिया, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दो, नॉलेजेबल वीडियो है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब में भी घाट के देख लिया, जो उसमें नहीं है इसका प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट। मैंने तो बहुत लोग को देखा इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट बायस करके हो गया, बहुत कुछ होता है। तो इसमें जो है ये सॉकेट वाला प्रोसेसर है इसका, एक बार पार्ट नंबर दिखा देता हूँ जो सैमसंग का ज़्यादातर होते हैं। देखिए, GINMAO/L रिविशन, देखिए 1.0 101125। तो इसका यही मॉडल है, इसका पार्ट नंबर। तो ये सैमसंग का जो मॉडल है 520 RC 520 402, ये जो मॉडल यही बोर्ड सेम रहता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है, नो डिस्प्ले केस, जिसमें डिस्प्ले वगैरह कभी आता नहीं है, ऑन होता है तुम्हारा DC पावर सप्लाई पीक भी ठीक ठाक लेता है, एम्पियर कंज्यूम होते तब इसका डिस्प्ले नहीं रहता है। तो इसके लिए देखिए मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन था, मैं ये नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। जिसको इसको मालूम है तो अच्छी है बात है, जिसको मालूम नहीं उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए मैं इसका वीडियो बनाया। तो इसके देखिए जो प्रोसेसर है, इसका प्रोसेसर का जो कोर वोल्टेज जनरेट करता है, वोल्टेज को जनरेट कर स्टोरेज करता था, और उसका एक इसका तो देखिए ये कैपेसिटर जितना है ये तो इसमें नहीं था, मैंने इसमें लगाया। देखिए इसमें एक कैपेसिटर था, इधर एक कैपेसिटर टाइप का था जो इधर नहीं, इधर वो आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। देखिए ये जो देखिए इसका जो प्रोसेसर सॉकेट में यही वाला था इसमें, तो इसका प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने इसको हटा के ये दो कैपेसिटर लगा दिया, SMD पोलर कैपेसिटर, जो उसका क्या वही कैपेसिटर का काम करता है जो कोर वोल्टेज जनरेट करता था वा CPU का पावर जनरेट होता था। तो मैंने इसका पूरा एक बार बायोस करके देखा। देखिए इसका बायोस भी मैंने खोल के रखा है, बायोस, इसका बोर्ड व्यू, इसका स्कीमेटिक, मैंने सब खोल के रख के देख लिया। तो इसका जब देखा इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, तब मेरा जो सर का ट्रेनिंग लिया था उसका, उसने बोला था इसका जो इधर बोर्ड का जो इधर पीछे जो कैपेसिटर टाइप का रहता है उसको कभी प्रॉब्लम होने में ये होता है, इसका डिस्प्ले नहीं देता है। तो मैंने जब उस मेरे ख्याल आया था माथे में, तो माथे पे ख्याल जब आया मैंने क्या किया, उसको हटा दिया। देखिए ये इसका दो एक कैपेसिटर टाइप का था, इधर बैठा था, इधर ऐसे था, मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद मैं दो कैपेसिटर को इधर बैठा दिया। बैठाने के बाद देखिए इसका जो प्लस और माइनस वाला है, देखिए ये जो ये दो जो देखिए ये अरे ये एक ही है कनेक्शन, एक ग्राउंड था और ये दो प्लस प्लस था। तो मैंने कह के इधर से इधर दो लगा दिया, तो दो लगाने से भी हो गया, चार लगाने का बाद था मैं दो लगा दिया, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इस लैपटॉप में जो सैमसंग का ज़्यादातर है ये इसका एक बार रिपेयर होके आया था। देखिए इधर टेप लगा हुआ है, जिधर देखो उधर भी टेप लगा हुआ है, देखिए पूरा टेप टेप करके पूरा रख दिया। तो मैं सोचा इसके कंप्लीट करने के बाद सोचा इसका वीडियो बनाना ज़रूरी है मेरे लिए भी, और आप जो यूट्यूब देखते हैं उसके लिए भी, जिसके लिए सबके लिए ये वीडियो है, इसलिए मैंने इसका दिया। और मैंने पहले सोचा था इसका प्रोसेसर फॉल्ट है, तो प्रोसेसर मैंने देखे एक बार चेंज करके देख लिया था दूसरा बोर्ड से, तब भी नहीं हुआ था। पहले इस बोर्ड से देखे जो मैंने हटा दिया, उसको हटाने के बाद दिखाता हूँ। ये दो मैंने इधर से हटाया, हटा के इधर बोर्ड के पीछे बैठा दिया, तो देखा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मैं इसको एक बार चला के भी दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम आता है
तो आपको समझ में आएगा जब आप देखिए सैमसंग का यही जितना भी यही मॉडल है जो पीछे वो रहता है जो कैपेसिटर के बदले में वो कैपेसिटर के टाइप देखते हुए, तो उसको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, उसको पहले हटा देना है। हटाने के बाद आपको करना दो पोलर कैपेसिटर लगा के उसको करना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको मैं अभी चालू करके दिखाता हूँ। मैंने इसको किया, सॉल्व किया, मैंने भी सोचा था पहले होगा क्या नहीं होगा, तो बाद में देखा मेरा काम सक्सेस हो गया, इसीलिए मैं इसका वीडियो भी एक डालने का सोचा था। देखिए लैपटॉप तो अभी ऑन होने का टाइम मैं ले लिया, तो इसको तो ऑन किया, अभी तो ऑन हो रही है। इसका रैम एक बार खोल के लगाते हैं। मैंने इसका एक बार बास तो अच्छे से किया था, तब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, इसका इसके लिए वही जुगाड़ अप्लाई करके देख लिया, देखा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ऐसा प्रॉब्लम सैमसंग में भी नहीं है, और भी बहुत सारा बोर्ड में है उसमें भी आते हैं। तो अभी दिखाते हैं इसका चालू करके मैं, तो अभी हम देखेंगे इसका डिस्प्ले। देखिए अभी ऑन होगा, देखिए डिस्प्ले दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट अवेलेबल दिखा दिया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसका कारण वही सीपीयू के पीछे में जो पीछे है वो जो कैपेसिटर लगा के काम करना है, तो इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। नो डिस्प्ले केस में तो आपका अच्छे भी काम होगा इसमें, और बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। तो नॉलेज शेयर के इसलिए इतना नॉलेज मेरे पास था, मैंने ले लिया मेरे सर से, तो मैं दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी दबा के रखना जाते नया वीडियो देखने के लिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।